हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ, क्रोशिया का पैटर्न है फ्रेंड्स। ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है, तो ये शॉल और स्कार्फ के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन है। आप इसको लेडीज कार्डिगन, जैकेट या गर्ल्स की टॉप पे, बच्चों की ड्रेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर डिजाइन है फ्रेंड्स और बनाने में उतना ही ईजी है। तो आइए करते हैं स्टार्ट, कैसे बना है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये बनाना शुरू करते हैं, डिजाइन कैसे बनाया है। और अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपनी फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सके मेरे बनाए डिजाइन। तो आइए करते हैं स्टार्ट, कैसे बना है। ये बेसिक रो तैयार है एक, तो यहीं से डिजाइन हमने शुरू कर देना है। दो चेन कर लेंगे और एज स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद एक चेन करेंगे, यहां से एक स्टिच छोड़ेंगे और तीन स्टिच लगा लेंगे, दो और तीन। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, ये देखिए, ये जो एक स्टिच छोड़ा था हमने, वहीं पे आ जाते हैं और इस तरह से एक स्टिच बुन लेंगे। दूसरी बार फिर सेम पोस्ट पे जाना है और एक स्टिच और बुन लेना है, ये देखिए ऐसे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, यहां से एक स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट हम तीन स्टिच बुन लेंगे, एक, दो और तीन, ये देखिए। यहां फिर एक चेन कर लेंगे, तो एक स्टिच छोड़ लेंगे और तीन स्टिच बुन लेंगे, एक, दो और तीन। फ्रेंड्स, यहां से हमने फिर ये जो स्टिच हमने एक छोड़ा है यहां पे आएंगे इस तरह से, और ऐसे एक स्टिच बुन लेंगे। फिर दोबारा से वहीं पे आएंगे और फिर से एक बार इसको बुन लेंगे। सेम पोस्ट पे हमने दो बारी बुनना है। फिर एक चेन कर लेते हैं, यहां से एक स्टिच छोड़ेंगे तो आगे हमने फिर से तीन स्टिच लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, दो चेन कर लेंगे, तो ये हम तीन इधर बचे हैं, एज स्टिच इनको सिंपल ही बना लेते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स, एक चेन कर लेंगे और ये पहले वाला स्टिच हमने छोड़ देना है, तो दूसरा स्टिच है उसको लेना एक बार, फिर तीसरा और फिर चौथा। ये तीन स्टिच हमने सिंपल ऐसे बना लेने हैं, एक इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया। अब एक चेन बनाएंगे, ये वाले तीन स्टिच ऐसे बुनेंगे, एक, दो और तीन। अब ये जो स्टिच हमने छोड़ रखा है, यहां से बुनना है हमने, एक स्टिच बुनेंगे फिर दूसरा बुनेंगे, इस तरह से हमने दो स्टिच यहां बुननी है। फिर फ्रेंड्स एक चेन बनानी है, ये वाला स्टिच हमने छोड़ देना है,
और तीन स्टिच आगे बुन लेनी है, एक दो और तीन। फिर एक चेन बना लेंगे और ये एज स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट रो पे आ गए, यहां दो चेन बना ली, ये एज स्टिच बना लेने, इसके बाद एक चेन, और यहां पर हमने तीन स्टिच लगाने हैं, एक दो और तीन, और फिर यहां पे आ जाना है जो एक हमने छोड़ रखा है। ये देखिए एक बार बुना इसको, फिर दोबारा यहीं से दो बार बुन लेंगे। ये देखिए, और एक चेन बना लेंगे और यहां आ जाएंगे तो तीन स्टिच यहां लगा लेंगे, दोनों तरफ से एक एक स्टिच छोड़ देंगे। फ्रेंड्स तीन स्टिच हमारे पास ये होते हैं देखिए, और जब हम यहां से उठा के बनाते हैं ये दो स्टिच ये आ जाते हैं, तो ये हमारे पास पांच स्टिच हो जाते हैं। तो पांच स्टिच में से हम एक इधर से छोड़ देते हैं, एक इधर से छोड़ देते हैं, बीच वाले तीन स्टिच बना के ये चीज बनाते हैं। देखिए एक दो और तीन, तीन स्टिच हो गए, ये चार और ये पांच, पांच स्टिच हो गए हमारे पास। तो एक चेन और यहां पर ये एज स्टिच लगा लिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये आगे ऐसे ही बनता चला जाएगा, ये डिजाइन बहुत खूबसूरत डिजाइन लगता है ये बनने के बाद। आप जरूर बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।